तीन साल भयो। मैं विनोद आम्बेकर, आप देख रहे फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम बैगन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। बैगन को खरीफ रब्बी सभी मौसम में लगाते हैं। बैगन में विटामिन ए बी सी तथा खनिज तत्व प्रोटीन महत्वपूर्ण मात्रा में होता है। सफ़ेद बैगन का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा माना गया है। बैगन के लिए जलवायु ये उष्ण वातावरण की फसल है। सतत पानी एवं बादली वातावरण फसल के लिए ठीक नहीं होता। ये फसल पाला सहन नहीं कर सकती। गोल फल वाली किस्म पाले के लिए थोड़ी सहनशील होती है। बैगन के लिए भूमि प्रबंधन, बैगन की खेती के लिए जीवाश्म पदार्थ से युक्त जल निकास वाली हल्की से मध्यम प्रकार की उपयुक्त भूमि, हल्की व अधिक भारी चिकनी भूमि में पैदावार अच्छी नहीं होती है। मध्यम काली नदी किनारे की भूमि, भूरी पीली मिट्टी बैगन की खेती हेतु उपयुक्त है। खेत की अच्छी तैयारी कर इसमें एक जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से 2 से 3 वक्र लगाकर पाटा लगाकर समतल करें। आखिरी जुताई के पहले प्रति एकड़ 200 किलो गंजवामृत 1 एकड़ भूमि पर समान मात्रा में बिखर दे और अंतिम जुताई से मिट्टी में मिला दे। 1 एकड़ भूमि के लिए 200 ग्राम प्रति एकड़ बीज चाहिए और संकर बीज अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए 120 किलोग्राम प्रति एकड़ बैगन के बीज चाहिए। बैगन के बीजों को बीजामृत का संस्कार करके ही उसे लगाना है। रोपाई पौध जब 4-5 सप्ताह अथवा 4 से 5 पत्तियों की हो जाए तब खेत में रोपण करें। लंबी फसल वाली 2.5 फीट बाय 2.5 फीट पर लगाएं और गोल फल वाली 3.5 फीट बाय 2.5 फीट पर लगाएं। बैगन के लिए जल प्रबंधन, ठंड के मौसम में 10-12 दिनों के अंतराल पर एवं गर्मी में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। हर सिंचाई के साथ जीवामृत हमें पानी के साथ देना है। जब हमारी बैगन की फसल 15 दिन की होती है तब से हमें जीवामृत का छिड़काव करना शुरू करना पड़ता है। पहला छिड़काव 100 लीटर पानी में 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत मिलाकर छिड़काव करना है और हर 15 दिन के बाद हमें जीवामृत का छिड़काव करना है। अगर बैगन पर कुछ कीट या बीमारी दिखाई दो तो दशपर्णवर्क, निमास्त्र या ब्रह्मास्त्र इनमें से किसी भी एक का छिड़काव कर सकते हैं। जब फल पूर्ण विकसित हो जाते हैं तब फलों की तुड़ाई करना चाहिए। बैगन की प्रति एकड़ उपज 80 क्विंटल से 100 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। बैगन की कुछ प्रमुख किस्में पूसा क्रांति, ये उन्नत किस्में 135 दिन में आती है। पूसा पर्पल क्लस्टर, ये भी उन्नत किस्में, ये 135 से 140 दिन में आती है। पूसा पर्पल लॉन्ग, ये उन्नत किस्म है, ये 135 से 150 दिन में आती है। इस तरह से हमने बैगन की खेती के बारे में जानकारी ली। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे फार्मिंग टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।